इसमें अब हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। गुरमीत, पहले तो बात करते हैं इस मार्केट की स्ट्रेंथ की। क्या शानदार स्ट्रेंथ रही है यहाँ पर और लगातार 11वें दिन तेज़ी, क्या व्यू बन रहा है अब इस समय आपका? अनुज, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया स्ट्रेंथ, क्योंकि मैम एक जो वेरिएबल चेंज हुआ है ना पिछले 4-5 साल में, हम लोग सब बाजार में 18-20 साल से है, वो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आई है डोमेस्टिक बैंक की। आप देखिए रिटेल और HNI प्लस म्यूचुअल फंड का अगर आप ऐड करेंगे तो 16.5% हो गया है, और FII ओनरशिप भी लगभग 16.5-17% है। तो एक मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काउंटर बैलेंस है। कुछ कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं बहुत सारे फ्रॉड भी क्रिएट कर रहा है ये कुछ पॉकेट्स में, बट आई थिंक ये काउंटर बैलेंस फोर्स है जिसने काफी सारी हाइपोथेसिस को चैलेंज किया है, और मुझे लगता है कंटिन्यू करता रहेगा चैलेंज करना। थोड़ा सा मीन रिवर्जन होगा मार्केट में। यूएस में हमने देखा रसल 2000 इंडेक्स बिल्कुल नहीं चला 4-5 साल में, हार्डली 8-9% का कैगर है, 1500 से 2200 गया है 5 साल में। यहाँ हमने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स ही 4 टाइम्स हो गया। थोड़ा सा मुझे लगता है लार्ज कैप में थोड़ा मीन रिवीजन होगा। दूसरा मैक्रो सेटअप, जैसा अनुज हम चर्चा करते हैं, स्टेबल है। ऑयल प्राइसेस अराउंड $80 के आसपास हैं। 10-year बॉन्ड यील्ड इंडिया की, मैं हमेशा बोलता हूँ आप उसको मॉनिटर करिए, वो एक सी ऑफ स्टेबिलिटी है। यूएस की तरह आपको 10-20 पैसे का फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। बॉन्ड यील्ड अराउंड 6.86 के आसपास आ गई है। हमने जब चर्चा शुरू करी थी बॉन्ड यील्ड्स को ट्रैक करने की, 7.10-7.15 था अनुज मार्च में, तो अगर आपने बॉन्ड में भी पैसा लगाया होता तो वहां भी डबल डिजिट रिटर्न बनाया पिछले 6-8 महीने में, आगे भी अच्छा बनेगा, रेट कट साइकिल स्टार्ट हो रही है, डॉलर इंडेक्स रिसीड हुआ है। तो आई थिंक मैक्रो सेटअप जो है अच्छा है। अर्निंग ग्रोथ मुझे वीक लगी Q1 की, स्पेशली अगर आप टॉप 100 स्टॉक्स के बियॉन्ड जाए, वहां थोड़ा सा केयरफुल रहने की मुझे लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मीन रिवर्ट करिए, थोड़ा रीबैलेंस करिए, क्योंकि EPS जो 4-5% आया है BSE 500 का यूनिवर्स का, और लगभग 250 स्टॉक्स हैं जो 50 P के ऊपर है इन 500 स्टॉक्स में, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। आप अगर EPS ग्रोथ 2 सिंगल डिजिट और वैल्यूएशन 40-50 है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा जो आपको आपका आपका नुकसान कर सकता है। तो हमने पैसा अच्छा बनाया है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हम अपने पोर्टफोलियो को प्रिजर्व भी करें अगर EPS ग्रोथ कैचअप नहीं कर रही है उन पॉकेट्स में, और रोटेट करें पोर्टफोलियो। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की बॉन्ड यील्ड्स की, आपने बात की ये इंटरेस्ट रेट्स की, तो मैं थोड़ा सा इस पर एक फोकस करना चाह रहा था। अब IT ने लीड किया इस मार्केट को, पिछले 10 दिनों में मैसिव रैली हुई है IT स्टॉक्स में। क्या यहाँ पर ये जो रेट कट वाली रैली है ये अभी और आगे एक्सटेंड करेगी, और क्या यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं? अनु, शुरू में हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, क्योंकि यूएस ने जैसी रेट कट की बात करी IT में फर्स्ट मूवमेंट पॉजिटिव होता है, बट हमें मानना चाहिए कि यूएस में इकोनॉमिक डेटा सॉफ्ट आ रहा है, होम सेल का डेटा बहुत सॉफ्ट है, रिटेल सेल का नंबर बहुत अच्छा नहीं है, पेरोल स्पेशली जो नॉन फार्म पेरोल है उसको लेके अब फेड चेयर भी वरीड है, पहली बार हमने वो पावेल सर की स्पीच में सुना। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत जल्दी पिकअप नहीं होने वाली IT में। अभी HCL ने एक एनालिस्ट पे किया था तो उन्होंने बुलाया कि थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ बाजार रीड करना चाह रहा है, वो प्रीएम्प्ट कर रहा है। ग्रोथ तो अभी भी सिंगल डिजिट में ही है जो गाइडेंस है, लेकिन स्टॉक्स जो है वो काफी ऑलरेडी उसको कैप्चर कर गए, तो मुझे लगता है लार्ज कैप IT में बहुत ज्यादा रनवे नहीं लगता है मुझे इस वैल्यूएशन। अगर आप ऑलरेडी TCS 30 टाइम्स प्लस है वैल्यूएशन पे, इंफोसिस भी 25 टाइम्स प्लस हो गया है जो रनअप हुआ, इनको सही टाइम खरीदने का शायद अनुज, जब हमने पहले भी चर्चा की थी तब को सब AI रिलेटेड डिस्ट्रप्शन की बात कर रहे थे और कोई IT को रैली हाथ नहीं लगाना चाहता था 4-6 महीने पहले, और हमने इस बारे में चर्चा की थी। मुझे लगता है बैंक्स पे और NBFCs पे रोटेट करने का टाइम आ गया है। IT में आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, स्पेशली जैसे मुझे लगता है लार्ज कैप में अभी भी टेक महिंद्रा और HCL टेक में थोड़ा सा कंफर्ट है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। मिड कैप स्पेस में KPIT हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो 25-30% ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और थोड़ा सा एक तरीके का IP प्ले है, ऑटो सॉफ्टवेयर प्ले है। टाटा टेक्नोलॉजी मुझे लगता है काफी कंसोलिडेट किया है IPO के बाद, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा, और ये पूरा डिजिटल इंजीनियरिंग बिजनेस है, IT सिर्फ इसका एक पार्ट है, तो ये थोड़ा ब्रॉडर प्ले है उसमें। और जो थोड़े बहुत ये न्यू एज बिजनेसेस हैं मैं इनको भी IT मानता हूँ, चाहे Zomato है, PB फिनटेक है, हालांकि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा घटा है इस बाजार में, जो कि शायद कम पॉकेट्स में इस मार्केट में, तो सिलेक्टिव होइए। थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट और IP रिलेटेड प्लेस पे ज्यादा करूंगा। HCL इसलिए क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, सॉफ्टवेयर बिजनेस उनका
लगभग लगभग अब 20% एबिट मार्जिन का बिजनेस हो गया है, जो कि मुझे लगता है आगे सरप्राइज करेगा। बहुत कम आईटी सर्विसेज के बाद सॉफ्टवेयर बिजनेस है अभी, और थोड़ा मुझे लगता है रोटेशन हमें बैंक्स में करना चाहिए, स्पेशली एमबीएस। ओके अच्छा गुरमीत, अभी आपने बैंक्स का जिक्र किया, बट अगर आप बैंक्स के निफ्टी बैंक के साइडवेज मूवमेंट को कंपेयर करें वर्सेस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, एक बड़ा डाइवर्जेंस है। मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों 52 वीक हाई पे खड़े हैं। चोला इज़ एट डे हाई, चोला इज़ एट ऑल टाइम हाई। सेम इज़ द केस विद कैनफिन होम्स एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। उधर गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में पहले ही काफ़ी अच्छा खासा मूव है। एक ऐसे समय में जब बैंक्स डिपॉजिट्स को लेकर जूझ रहे हैं और अल्टीमेटली यही पैसा जो होता है वो सोर्स होता है एनबीएफसीज के लिए ही, क्या कारण है कि एनबीएफसीज में ज़्यादा मूव है और आपका व्यू इस वक्त एनबीएफसीज पर? इसके दो तीन कारण है। मनी क्रिएशन आरबीआई का एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है नॉमिनल, क्योंकि बहुत कम हुआ है, इस साल सिर्फ 60,000 करोड़ हुआ है। एवरेज हमने जैसे 2022 में 5-6 लाख करोड़ क्रिएट किया था। थोड़ा सा मनी सप्लाई क्रिएशन भी कम है आरबीआई से, लिक्विडिटी बहुत टाइट रही है। मैंने 2 लाख करोड़ लिक्विडिटी टाइट इतने लंबे समय तक नहीं देखी है। एनबीएफसी जल्दी बेनिफिट करेंगे रेट कट से, क्योंकि वो होलसेल फंडिंग पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। बैंक से बाहर डिपॉजिट्स और कासा होता है, और वो थोड़ा थोड़ा लैग के साथ रिप्राइस होता है, उसको रिप्राइस होने में टाइम लगेगा। एनबीएफसी कॉस्ट ऑफ फंड्स में आपको इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, अगर और वो यूजली बेंचमार्क से लिंक्ड होता है। तो अगर 10 ईयर 7.25 था, तो ट्रिपल ए एनबीएफसी मान लीजिए जैसे बजाज फाइनेंस है या पूना वाला है या चोला है, ये 8% में पैसा रेस कर रहे हैं या 7.75 पे रेस कर रहे हैं, अब वो 7.5 पे रेस कर रहे हैं, क्योंकि 10 ईयर भी 6.80 6.85 आ गया। तो जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड रीप्राइस होगी, एनबीएफसी में आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरा, आरबीआई ने भी बहुत सख्ती करी थी अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे, गोल्ड बेस्ड लेंडिंग पे, थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट था। तो थोड़ा सा ग्रोथ में भी मॉडरेशन था, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऊपर थे, लिक्विडिटी भी टाइट थी, परफेक्ट जो कॉकटेल होता है नेगेटिव न्यूज का था, ये धीरे धीरे चेंज होगा। इसलिए आपको एनबीएफसी में शायद जैसे मैंने बोला पहले देखने को मिलेगा, बैंक्स में ग्रेजुअली देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे बैंक्स हैं जो बहुत जहाँ वैल्यूएशन कम्फर्ट बहुत है, जैसे फेडरल बैंक है, 1.2 बुक वैल्यू है खाली, 80% डिपॉजिट बेस जो है रिटेल हो गया है। एक जमाने में उनका पूरा डिपेंडेंसी होलसेल फंडिंग पे था, लीडरशिप ट्रांजिशन हो रहा है मिस्टर श्रीनिवासन से के मिस्टर मानियन पे, बहुत अच्छे लीडर हैं। और थोड़े जैसे आरबीएल बैंक है, बहुत करेक्शन आया है, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया है। कुछ और हमारी निगाह है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक भी हम देखिए एक रेंज में है। तो बैंक्स में शायद थोड़े लैग के साथ ऊपर आएगा, एनबीएफसी में आपको देखने मिलेगा। और बजाज फाइनेंस 6,900 शायद आपको 50 रुपी खाए दिखे, और 2021-22 में 8,500 उसका हाई था। तो पूरे बुल मार्केट में एक्चुअली डाउन है। तो मुझे लगता है कि अच्छी एनबीएफसी में, चाहे पूना वाला देखिए आप, 500 550 रुपए का हाई था, अभी भी वहां से 20-25% डाउन है। तो मुझे लगता है एनबीएफसी में ज्यादा इमीडिएट बेनिफिट शायद देखने को। ओके अच्छा, अब आते हैं एक और स्पेस पे जिसपे एक रीसेंट लिस्टिंग ने थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो जगा दिया है। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट, उसके बाद एक सब्सटेंशियल मूव, मेरे ख्याल से 77 पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट 156 का स्विंग हाई लगाया था लास्ट वीक। उसके बाद से ही आप देखिए बजाज ऑटो ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। ये टू व्हीलर स्पेस में स्पेशली आपका टेक इस वक्त क्या है, क्या चेज कर रहे हैं आप इसमें? मुझे बजाज बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो उनका तीनों प्लेटफॉर्म्स अच्छा कर रहे हैं, जो उनका पल्सर के वेरिएंट्स आ रहे हैं, 125 cc में क्लियर लीडरशिप है। उनका जो चेतक है वो 1 लाख यूनिट्स करने लग गया है, और नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उस स्पेस में, तो ईवी में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। और उन्होंने फ्लेक्स इंजन में, जो कि इथेनॉल प्ले है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा फोकस है, गडकरी जी ने रिपीट किया था अभी पीछे 2 दिन पहले कि उन्होंने सारे टू व्हीलर्स को बोला है कि इथेनॉल मॉडल, फ्लेक्स इंजन मॉडल लॉन्च करने को, तो वहां पे भी प्रेजेंस है। प्लस अगर आप राजीव बजाज जी को सुन रहा था सीएनबीसी के चैनल पे, उन्होंने बोला उनका ईवी पोर्टफोलियो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में हाइब्रिड मॉडल शायद इवॉल्व होगा वर्सेस अ प्योर ईवी पे। ओला इलेक्ट्रिक मुझे लगता है एक सर्टन स्केल के बाद मैं देखना चाहूंगा, एक बार वो नंबर 6-8 लाख यूनिट हो जाए, अभी करेंटली 3-3.5 लाख है, तब शायद थोड़ा बेटर समझ में आएगा, एक वारंटी साइकिल पूरी हो जाए। मैं कुछ नेगेटिव नहीं हूँ उस चीज को लेके, मैं बस थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग दैट स्टोरी। टीवीएस हमें बहुत अच्छा लगता है, टीवीएस का आप देखिए कंटिन्यूसली जो ऑपरेटिंग मार्जिन सिंगल डिजिट होते थे डबल डिजिट में आए हैं,
iQube का ऑलरेडी जो रन रेट है वो 15,000 के आसपास पहुंच गया है। तो iQube आप इस साल शायद 2 लाख से ऊपर देखेंगे, जो उनका ईवी प्ले है। अपाची राइडर जो उनके 125 cc+ सेगमेंट है वहां पे बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम इन दोनों प्लेस में, प्लस जो इनका एंसिलरी प्ले है जैसे संधार टेक्नोलॉजी है, संधार टेक्नोलॉजी का जो ईवी पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा शेप अप कर रहा है। लॉक्स में मार्केट लीडरशिप है, अभी उनको 2 पेटेंट मिले हैं, उन्होंने अप्लाई किए हैं स्मार्ट लॉक्स में। प्लस वो बाइक का फ्रेम बनाते हैं, जो भी बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं उनका वो फ्रेम बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक्सपोजर जो है टू व्हीलर स्पेस के थ्रू ज्यादा है, बजाज, टीवीएस होल्डिंग और संधार टेक्नोलॉजी। ओके तो ये इस समय आपकी पिक्स। अच्छा गुरमीत, इंडिगो पर क्या व्यू बन रहा है अब? इतनी ब्लॉक डील्स के बावजूद स्टॉक गिरने को तैयार नहीं, और बहुत शानदार मोमेंटम में रहा है स्टॉक। ये आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? अनुज बहुत कंस्ट्रक्टिव है। आपको ध्यान होगा हमने ट्रैवल और टूरिज्म पे चर्चा करी थी, एक बार डोमेस्टिक टूरिज्म की भी चर्चा करी थी। इंडिगो में जब ब्लॉक हुए थे पीछे और थोड़ा प्राइस पॉइंट अच्छा मिला था तब हमने एंट्री ली थी। आप देखिए 63% मार्केट शेयर हो गया है। एक जो बहुत अच्छी बात है इंडिगो की, लोग कम ट्रैक करते हैं, जो उसका ऑपरेशन कॉस्ट पे जो कंट्रोल है। एक शायद पूरी दुनिया में 2 या 4 एयरलाइन है जो कैश फ्लो नेटवर्क पॉजिटिव है, इंडिगो उसमें से एक है। पिछले साल उन्होंने 10 करोड़ कस्टमर्स को फ्लाई किया। तो एविएशन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ रहा है, ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। दूसरा, उसका इंजन मॉडल लगभग सेम है। अभी जो नया वाला भी उन्होंने लिया है A320, इसका मतलब वो किस जो MRO हम बोलते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर, वो किसी भी आउटलेट पे सर्विस हो सकता है, उससे बहुत टाइम बचता है। दूसरा, जो उनका टर्न अराउंड टाइम है वहां पे वो काफी सेविंग कर। तो आप देखिए, अगर आप जैसे दिल्ली पुणे फ्लाइट है वो 1 घंटा 30 मिनट में वो करते हैं, जो बाकी एयरलाइंस पौने 2 2 घंटे में करते हैं। तो आप एक स्टडी है बोइंग की, अगर आप 10 मिनट हर टर्न अराउंड टाइम हर फ्लाइट में बचाते हैं तो साल की 200 फ्लाइट एक्स्ट्रा होती है। तो उनका जो कॉस्ट डायनेमिक्स है वो इक्वेशन उन्होंने बिल्कुल क्रैक कर लिया है। बेयर शेल एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, फिर फिटिंग्स में भी डिस्काउंट लेते हैं क्योंकि बल्क फिटिंग्स ऑर्डर करते हैं और फिर वापस लीज बैक करते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग मॉडल है। और मुझे लगता है कि ये जो अभी बड़ा ब्लॉक हो रहा है, अगर इससे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती, बस एक जो कंसर्न रहता है वो ये थोड़ा बहुत जो प्रमोटर इश्यूज रहे हैं बीच में और बड़े बड़े ब्लॉक आते हैं बीच में, वो इसको कैप करता है। बट मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड पे है, 2/3 मार्केट शेयर, बिजनेस क्लास लॉन्च कर रहे हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, इनकी पोजीशन और स्ट्रांग होती जाएगी। और अगर थोड़े डिप्स मिलते हैं तो अच्छा एडिशन हो सकता है पोर्टफोलियो में। भारतीय एयरटेल पर क्या व्यू है अब? यहाँ पर भी एक बहुत शानदार वन वे रैली रही है गुरमीत। किस पे अनु, सॉरी मैं मिस करें। भारतीय एयरटेल तो अरे आपको ध्यान होगा हमने वोडाफोन वर्सेस भारती का चर्चा किया था, पर मैंने बोला था कि बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला। एक जो बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है, एयरटेल काफी रन अप गया, 500 लेवल्स पे होता था आज से 1.5 2 साल पहले। तो मोबिलिटी बिजनेस पे तो अच्छा कर ही रहे हैं अनुज, 4G एडिशन अच्छे हैं। आई थिंक ब्रॉडबैंड एक अलग ट्रिगर हो सकता है। अभी आप देखिए करीबन सिर्फ 2.25 करोड़ घरों में वाईफाई है, और जो 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 यूनिवर्स है वो करीबन करीबन 23 से 24 करोड़ घरों का है, क्योंकि अभी जो टैरिफ है वो अभी भी थोड़े से ज्यादा है, 1200 से 1500 रुपए। तो अगर यहाँ पे भी एक चार्जिंग जो जो सैशेटाइजेशन मूवमेंट हुआ था, जो प्रीपेड ने किया था, जो अफोर्डेबल कर दिया था, अगर होम ब्रॉडबैंड थोड़ा अफोर्डेबल होता है तो भारती बहुत बड़ा लीडरशिप ले सकता है उसमें। तो मुझे लगता है ये ट्रिगर आ सकता है। सेकेंड, अगर जियो का आईपीओ आता है, जो मुझे लगता है शायद रिलायंस के एजीएम में प्रियम नहीं करना चाहता, बट अगर जियो का आईपीओ आता है वो भारती को एक फर्दर मुझे लगता है लेग दे सकता है, क्योंकि जियो का वैल्यूएशन 150 200 बिलियन डॉलर ऐसा ऐसा बाजार मानता है। और तीसरा, मुझे लगता है जो 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 रेगुलर ट्रिगर है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन आरपू है। अगर और टैरिफ हाइक आते हैं तो देखने को मिल सकता है। एक जो अच्छी बात है भारती के लिए वो ये है कि जो उनका एबिट है साल का और जो उनके एक्सपेंसिस है वो हर साल 15 18 हजार करोड़ फ्री कैश फ्लो ऐड कर, इससे बैलेंस शीट भी डीलेवरेज होगी। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मूव है। और जो अभी उन्होंने ब्रिटिश टेलीकॉम में स्टेक लिया है, मैं उस मूव को थोड़ा सा देखना चाहूंगा। तो लॉन्ग टर्म में मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, नियर टर्म में शायद क्योंकि बहुत अच्छा रन अप आ गया है, हो सकता है नियर टर्म अपसाइड थोड़ा कैप्ट। अच्छा गुरमीत जी, इस वक्त आपने एक्सचेंजेस में से, और चाहे वो MCX हो चाहे वो BSE हो, सारे ऑल टाइम हाई पे हैं। डिपॉजिटरीज को देखिए, CDSL ऑल टाइम हाई पे, या फिर ब्रोकरेज में से, इन तीन में से क्या क्या रखा हुआ है अपने PMS में? कुछ ऐड किया आपने? तो हमारा एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है CDSL में, कैंप्स में, मोतीलाल ओसवाल में। फ्रॉम अ ब्रोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मोतीलाल ओसवाल का AMC बिजनेस
बहुत अच्छा कर रहा है, वापस से रिबाउंड हुआ है प्रतीक अग्रवाल जी के आने के बाद। पिछले 1.5 साल में 1 लाख करोड़ के एसेट्स हो गए हैं। और एएमसी बिजनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे एसेट लाइट बिजनेस है। मैं इसको इनफाइनाइट आरओई बोलता हूँ। आप 25-50 करोड़, 100 करोड़ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर वो आपको हर साल 1,000 करोड़ पैट देने लगता है एक सर्टन स्टेज के बाद, जब आप 1 लाख 2 लाख करोड़ ये हो जाते हैं। तो इनफाइनाइट आरओई बिजनेस बोलता हूँ मैं हमेशा उसको। थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन है बट एक एक सर्टन स्केल के बाद बहुत अच्छा मुनाफा देता है। बीएससी पे हमारी निगाह रहेगी, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, बट मैं सेबी का फाइनल पेपर देखना चाहता हूँ डेरिवेटिव्स पे, किस तरीके का एक्टिविटी वो कंटेल करते हैं, कितनी एक्सपायरीज कम होती है, उसका एक बार इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद शायद हम एक्सचेंज पे व्यू लेंगे। और अनलिस्टेड में हमने एनएसई में काफी बेनिफिट हुए हैं। हम हमारे क्लाइंट्स अराउंड 900 रुपीज था आज से 3-4 साल पहले, जब एनएसई हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना शुरू किया था। लगभग लगभग अभी 5,500 रुपए है मार्केट में, तो एक्सचेंज काफी कंस्ट्रक्टिव हो। बट शायद अगर एक बार सेबी का थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन आ जाए डेरिवेटिव्स को लेके, उसके बाद शायद एंट्री लेना मेरे हिसाब से ज्यादा मुनासिब होगा। ओके अच्छा हेल्थ केयर में अभी फार्मा अच्छा कर रहा है. आप सिप्लस एंड फार्मा ऑल टाइम हाई पे, ल्यूपिन एट ऑल टाइम हाई पे. फार्मा में इंक्लूडिंग हेल्थ केयर कहाँ गुंजाइश नज़र आ रही है, जो आपका प्री पोस्ट आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस है गुरमीत, उसमें आप लोगों आपकी फाइंडिंग क्या थी, क्या है चेज करने लगे इस प्राइस पर? तो दो दो चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तो ब्रांडेड जेनरिक से फोकस कर रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा में हमने थोड़ा पोजीशन ली है। उन्होंने जब से एक्विजिशन किया है 13,500 करोड़ का वुमेन हेल्थ केयर पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। नंबर वन फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया अगर आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करेंगे वो फर्टिलिटी सेंटर्स हैं। तो जो बहुत तेज ये ग्रो कर, ये कंसर्न बहुत बढ़ रहा है। तो ये एक पोर्टफोलियो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म काफी बेनिफिशियल होगा मैनकाइंड के लिए। मुझे लगता है डेट जो है 2-2.5 साल में कंपनी जो है रिटायर कर सकती है। करीबन 7,000 करोड़ का डेट लेना पड़ेगा इस एक्विजिशन को लेके। हमने न्यूलैंड लैब्स में हम काफी लकी रहे, स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव किया है, स्पेशली जो उनका सीडीएमओ पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो आज सीडीएमओ पोर्टफोलियो में अगर आप 300 करोड़ करते हैं और आप नॉर्मल एपीआई फॉर्मुलेशन में 1,000 करोड़ करते हैं, आप लगभग लगभग सेम प्रॉफिट कमाते हैं। बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। और एक जो यूएस में बायो सिक्योर लॉ की बात हो रही है उस पर हमारी थोड़ी निगाह है। अगर वो बायो सिक्योर लॉ पास होता है तो जो आपके एडवर्सरी नेशंस हैं उनसे आपकी रॉ मटेरियल सोर्सिंग एपीआई सोर्सिंग पे पाबंदियां लगेगी, और उस एडवर्सरी नेशंस में चाइना और रशिया भी है, और इंडियन कंपनीज को उससे काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो उस पर थोड़ी निगाह है कि वो शायद यूएस इलेक्शन के बाद होगा। तो जो कुछ अच्छे नाम हैं जो एपीआई फॉर्मुलेशंस में हम वहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। प्राइसिंग स्टेबिलिटी आई है, जो सॉल्वेंट प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हो गए हैं। तो जो पूरे हेडविंड्स थे पिछले 1-1.5 साल के प्राइसिंग के, इन्वेंट्री ओवर सप्लाई के, वो धीरे धीरे बॉटम आउट होते दिख रहे हैं। गुरमीत बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू। चलिए अब शो खत्म करें उससे पहले